मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हो? आशा है शायद आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपको जो पिछले वीडियो में टेंस के बारे में जानकारी दी थी कि टेंस कितने होते हैं, प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं, तो उसमें हमने पूरी चर्चा करने के बाद में जो पहला टेंस लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर मैम ने उसकी पहचान पढ़ी थी, उसके नियम पढ़े थे। उसके बाद अगला पॉइंट था, वो था सूत्र। तो आज हम है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाने का जो सूत्र है वो क्या है, यानी हम किसको पहले दें, किसको बाद में दें। तो एक तरीके से इस सूत्र के माध्यम से बच्चा है वो हिंदी से अंग्रेजी में है वो ट्रांसलेट आराम से कर सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का ये सूत्र हैं वो बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप वीडियो को गौर से सुने, समझें और देखें। जहाँ पर जो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है उसको आप थोड़ा नोट पेन कॉपी लेकर के उसमें नोट कर लेना। तो बच्चों, प्रत्येक टेंस के अंदर हम चार वाक्य बनाते हैं, वैसे जितने पांच वाक्य बनते हैं, पांचवा वाक्य है वो WH का होता है। कक्षा 6-7 में हम तीन वाक्य बनाते हैं, ये जो चौथा वाक्य है वो जो हार्ड नहीं है लेकिन फिर भी अगर हार्ड महसूस होता है तो हम तीन पे काम चलाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको चार प्रकार के वाक्य बताने जा रहा हूँ। पहला वाक्य आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक या साधारण। तो इस वाक्य का और सूत्र क्या है, तो अफर्मेटिव में सूत्र लेते हैं, सर्वप्रथम हम लेते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को एक बार मैं SUB से संबोधन करता हूं। उसके बाद लेते हैं सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव वाक्य है उसमें किसी प्रकार की सहायक क्रिया नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, कर्ता एकवचन है तो वर्ब में एस या ईएस लगता है, और यदि कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में स्पेलिंग OBC लिख रहा हूं, नीचे उस वीडियो के लास्ट में आपको इनका पूरा है वो मीनिंग सहित है वो लिख दूंगा, आप याद कर लेना। तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट कर्ता हो गया, उसके बाद में वर्ब आ गई, वर्ब में कर्ता एकवचन है तो एस या ईएस लगा देंगे, कर्ता बहुवचन है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएगी। उसके बाद में वर्ब के बाद में स्थान होता है वो होता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म का होता है। अब उसके बाद में कोई वाक्य और कोई शेष शब्द रह गए तो उसको हम लास्ट में लिखते हैं। तो हिंदी से अंग्रेजी बनाने का सर्वप्रथम कर्ता, कर्ता के बाद में सहायक क्रिया, उसके बाद में मुख्य क्रिया, उसके बाद में और कर्म आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव है उसमें किसी प्रकार की सहायक क्रिया नहीं होती है। दूसरा था नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। वाक्य में जब हिंदी के वाक्य में नहीं या नहीं का प्रयोग होता है तो वाक्य नकारात्मक होता है। इसी प्रकार अंग्रेजी में जब हमें नोट लगाते थे तो वाक्य नकारात्मक बनता है। ध्यान रहे, नोट हमेशा है वो सही क्रिया के साथ ही लगता है, बगैर सही क्रिया के नोट नहीं लगेगा, नोट नहीं लगेगा तो वाक्य नकारात्मक नहीं बनेगा। तो इसका हम सूत्र बनाते हैं, तो हमने पहले लिया सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ हमारी दो सही क्रिया है, एक तो है डू नोट और एक दूसरा है डज नोट। डू नोट और डज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो अब यहां पर देखो, चाहे कर्ता एकवचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, यहां पर अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आपको पता है कि कर्ता अगर एकवचन है तो वर्ब में एस या ईएस लगता है। अब वो एस या ईएस है वो इस डू के साथ में आ गया तो मुख्य क्रिया में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यदि आपका कर्ता बहुवचन है तो सही क्रिया डू आएगी और डू के साथ डू नोट आएगा तो डू के साथ अवश्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कहने का मतलब है नकारात्मक और इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नकारात्मक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो कर्ता के अनुसार कर्ता एकवचन है तो डज नोट, कर्ता बहुवचन है तो डू नोट ले लो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद भी ऑब्जेक्ट है, अब क्वेश्चन में कोई है तो आगे लगा दो। तीसरा था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य कब बन जाता है, जब हम वाक्य को हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया से शुरू कर देते हैं तो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर दो सहायक क्रियाएं हैं,
नंबर एक है डज और नंबर दो है डू। जैसे कि ऊपर दिखा रहेगा इसी पर एक फिर मैं दिखा रहा हूं, डज है वो हमेशा आता है एक वचन के साथ में, डू आता है वो कर्ता बहुवचन के साथ है। तो डू डज में से एक ले लेंगे कर्ता के अनुसार, उसके बाद में वाक्य से सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अन्य कोई शब्द जैसे प्रीपोजिशन है या कर्म के बाद में अन्य कोई शब्द है, स्थान संबंधी है, दूरी संबंधी है या अन्य कोई चीज वस्तु संबंधी है तो उसका रख देते हैं, और अब प्रश्नवाचक है तो अंत में उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब आता है प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक होगा, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, अर्थात एक ऐसा वाक्य जो प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक है। तो इसका हम सूत्र है वो क्या लिखे, प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक कैसे बना, सही क्रिया डज या डू ले लिया, इसका मतलब हमारा वाक्य प्रश्नवाचक बन गया। अब इसके बाद में नकारात्मक बनाएंगे तो नोट लगेगा, नोट सही क्रिया के साथ लगता है, यहां पर हम सही क्रिया के साथ नोट लगा करके पहले कर्ता लेते हैं तो यहां पर पहले आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद में लगाएंगे हमें नोट, तो ये हमारा आ गया ड्रेस डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अन्य कोई शब्द और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार ये अंग्रेजी के में एक वाक्य के हम चार वाक्य इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपके साथ अफर्मेटिव सकारात्मक नेगेटिव नकारात्मक इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक हो गया। तो ये है अंग्रेज हिंदी से अंग्रेजी में जो वाक्य हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसका सूत्र है। सूत्र मतलब है कि कर्म पहले कि हम किसको रखें, पहले सब्जेक्ट को लेंगे वर्ब को लेंगे कि ऑब्जेक्ट को लेंगे, किसको पहले लेंगे। तो जो सूत्र में दिखाया गया इसके अनुसार हम पहले से सब्जेक्ट है। तो एक वाक्य को किस प्रकार हम एक वाक्य की चार तरीके से उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, तो ये जो चार प्रकार के सूत्र हैं अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब मैं यहां पर आपको एक एक वचन का और एक बहुवचन का दो वाक्यों के दो जो यहां पर आपको एग्जाम्पल है वो बताने जा रहा हूं। समय का वीडियो की अवधि लंबी न हो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दो वाक्यों से ही और समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे एक अंग्रेजी का हमारे पास एक वाक्य है, कर्ता एक वचन का लेते हैं कि आराम पुस्तक पढ़ता है। हमारे पास एक हिंदी का एक वाक्य है राम पुस्तक पढ़ता है। सर्वप्रथम बच्चों को आपको क्या करना है कि इस वाक्य की पहचान देखनी है कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, मुख्य क्रिया के पास जाना पड़ेगा, मुख्य क्रिया के अंत में क्या शब्द आ रहा है, इसमें ता है, तो ये निश्चित हो गया कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि पहचान आपके याद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हुआ, ता है, तो आ गया। अब आपको ये देखना है कि इस वाक्य का कर्ता कौन है, कि इस वाक्य का कर्ता है वो राम है और राम इस वाक्य का कर्ता है अर्थात ये सब्जेक्ट है, तो इस वाक्य का वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, तो यहां पर हमने देखा कि ये हमारी वर्ब है कौन पढ़ता, और कर्म क्या है, ये है हमारा कर्म अर्थात पुस्तक। अब इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब हम अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, लेकिन एक बार मैं शुरुआती तौर से आपको है थोड़े हिंदी के बड़ों से समझाता हूँ, साथ साथ उसका अंग्रेजी में भी बता देता हूँ। तो अब आपको ये क्लियर होगा कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, कर्म क्या है, ये सब हो क्लियर है। अब जैसे अफर्मेटिव का मैंने आपको सूत्र बताया था तो उसमें सर्वप्रथम क्या लिख रखा था कि पहले सब्जेक्ट लो कर्ता लो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कर्ता कौन है राम, तो हमने यहाँ पर सर्वप्रथम क्या लिया राम। अब उस सूत्र में जाकर देखेंगे तो राम के बाद में कर्ता प्लस वर्ब में एस या ईएस वर्ब क्या ओब्लिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये देखो यदि ये राम की एकवचन है तो वर्ब में एस या ईएस लगा दो, और यदि राम बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो सर्वप्रथम हम लेंगे यहाँ पर वर्ब, वर्ब है हमारे पढ़ना, पढ़ने को अंग्रेजी में कहते हैं रीड। अब अगर ये राम एकवचन है तो एस लगा दो या ईएस लगा दो, बहुवचन है तो कुछ नहीं लगा। हमें पता है कि राम एक वचन है कि एक वचन के शब्दों में मैंने आपको लिखाया था कि नहीं।
अब इसमें एस लगेगा कि ई एस लगेगा, ये भी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इसमें एस डबल एस 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 सी एस शब्द नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा एस। यदि हमारा वाक्य होता है कि राम पढ़ता है तो हमारी अंग्रेजी इस वाक्य ट्रांसलेट होगी राम रीड्स, लेकिन इसमें कर्म दिया है कि राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक हमारा क्या है कर्म है, तो राम रीड्स बुक, राम रीड्स बुक। अगर पुस्तक एक है तो बुक हो गया और पुस्तकें पढ़ता है तो ऐसे हो जाएगा बहुवचन हो जाएगा राम रीड्स बुक। अब इस वाक्य को हम बनाएंगे नेगेटिव, नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव सूत्र है कि पहले करता लो, करता हमने ले लिया राम, दूसरे आगे प्लस में दे रखा है डज नॉट डू नॉट, डज नॉट डू नॉट, राम ये एक वचन है तो एक वचन के साथ में आ जाएगा डज नॉट। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट में से एक ले लिया प्लस वर्ब, अब यहां पर वर्ब है वो है रीड, तो यहां पर रीड्स थी एक वचन के साथ रीड्स आना चाहिए, लेकिन जो मुख्य क्रिया में एस या ईएस है वो अब डज के साथ में आ गया, तो डज नहीं है तो एस या ईएस लगेगा और जब डज आ गया तो एस या ईएस मुख्य वर्ब से हट जाएगा, तो राम डज नॉट रीड बुक, ये हमारा नेगेटिव हो गया। तीसरा वाक्य आता है इंट्रोगेटिव अर्थात नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है, वाक्य को सहायक क्रिया से शुरू कर देते हैं, अब हमारे पास सहायक क्रिया आ गई डू और डज, राम एक वचन है इसलिए हम यहां इसको शुरू करेंगे डज से, वैसे सूत्र में देख लो इंट्रोगेटिव के आगे कि डज प्लस करता सब्जेक्ट है तो डज आ गया, और डज के बाद में सब्जेक्ट लेंगे आराम डज राम प्लस वर्ब रीड प्लस ऑब्जेक्ट डज राम रीड बुक, तो ये हो गया इसका नहीं। शुरुआत में सूत्र के अनुसार डू और डज में से डज ले लिया, फिर सब्जेक्ट से राम ले लिया, फिर वर्ब रीड फर्स्ट वर्ब ले ली, उसके बाद में क्रम ले लिया, प्रश्नवाचक वाक्य है तो हम अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो प्रश्नवाचक नकारात्मक एक ही वाक्य में वाक्य प्रश्नवाचक भी तो है और वो नकारात्मक भाव दे रहा है नकारात्मक भी है, तो प्रश्नवाचक के लिए डू और डज आ जाएगा, तो हमने यहां पर लिखा राम के साथ है डज और उसके बाद में इसके साथ नोट नहीं लगा करके पहले हम करता लेंगे राम और उसके बाद में लगाएंगे नोट, तो यह हो गया डज राम नोट। वैसे सूत्र में क्या कहता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट और उसके बाद में वर्ब रीड उसके बाद में ऑब्जेक्ट है वो आ गया बुक और अंत में आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार एक वाक्य से चार वाक्य किस प्रकार बनते हैं, ये एक वचन वाक्य के हमने एक वाक्य के चार वाक्य बनाए हैं। इसी प्रकार अब हम लेते हैं एक बहुवचन, बहुवचन के जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे दे है यू है वी है आई है या प्लूरल नाउन, या प्लूरल नाउन इनमें से किसी एक का एक उदाहरण के तौर पर हम एक वाक्य देंगे तो उसे हम सभी वाक्य है वो समझाएंगे। तो बहुवचन में दे का मतलब वे, आई का मतलब मैं, यू का मतलब तुम, वी का मतलब हम, तो इनमें से हम एक ले लेते हैं वो किसे का ले लेते हैं, जिस प्रकार वे क्रिकेट खेलते हैं। शुरुआती तौर पर मैं आपको बहुत ही सिंपल साधारण छोटे छोटे वाक्य से हैं वो बनाना सिखा रहा हूं। अब इस वाक्य का सर्वप्रथम हमें ये देखना है इस वाक्य का कर्ता कौन है, तो ये वे है, तो वे हमारा क्या हुआ कर्ता हुआ, कर्ता अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं इस वाक्य की क्रिया क्या है कि प्लेवन करे खेलना है, ये क्या है वर्ब है आपकी अर्थात ये हमारा क्रिया है, क्रिया को वर्ब कहते हैं। और फिर इस वाक्य में क्या है कर्म वाक्य में हो भी सकता है नहीं भी होता है, ये वाक्य वे क्रिकेट खेलते हैं ये भी तो सही है और इतना भी तो हो सकता है कि वे खेलते हैं क्या खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट नहीं है तो सिर्फ इतना ही वे खेलते हैं, तो ये क्रिकेट है वो हमारा क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। मैं थोड़ा हिंदी का वर्ड ज्यादा यूज कर रहा हूँ कक्षा 6-7 के लिए जो ये वीडियो चल रहा है, इसलिए मैं शुरुआती तौर से उन बच्चों को
और हिंदी के वर्ड से समझाता समझाता अंग्रेजी में ले जाता हूं। जैसे करता, वे करता है और करता अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट है। मैं बाद में आपको वीडियो लास्ट में स्क्रीन नहीं है वो डाल दूंगा याद करने के लिए। अब सर्वप्रथम सूत्र पे चलेंगे तो सूत्र कहता है पहले सब्जेक्ट लो। सब्जेक्ट का मतलब है करता लो। करता कौन है? वे है। वे की अंग्रेजी क्या होता है? तो वे की अंग्रेजी होती है टी एच ई वाई दे, दे वी होता है वे। हो गया। प्लस सूत्र दिखा रहे हैं कर्ता प्लस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब में एस या यस। हमारी वर्ब है वो है खेलना, खेलने को कहते हैं पले। अब इसमें एस लगेगा तो यस लगेगा तो कुछ नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कर्ता के पास जाएंगे। कर्ता क्या है? दे, दे क्या है? बहुवचन है। तो हमारा नियम है कि यदि कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हो गया दे प्ले यानी वे खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट, ये इसका पहला हमारा वाक्य है वो हो गया। उसके बाद में दूसरा वाक्य क्या है? नकारात्मक। तो नकारात्मक में सही क्रिया के साथ नोट लगा दो। सही क्रिया है वो कर्ता के बाद में। सूत्र के अनुसार कर्ता कर्ता लिया दिया गया। अब प्लस डू नोट डज नोट। तो हमारा कर्ता बहुवचन है इसलिए हमारी सही क्रिया है डू नोट। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात पले। और उसके बाद में कर्म अर्थात सी आर आई सी के ई टी। कर्ता डू नॉट डज नॉट में से एक आ गया प्लस वर्ब प्लस कर्म सूत्र के अनुसार चल रहे। अब आ गया इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक वाक्य हमने सही क्रिया से शुरू करेंगे। अब हमारी सही क्रिया बहुवचन के साथ क्या चल रही है? डू चल रही है। नोट नोट तो उसका नकारात्मक भाव देने के लिए सही क्रिया के साथ नोट लगाया है। बाकी नोट सही क्रिया नहीं है। सही क्रिया हमारे डू और डज ले। तो दे के साथ में सही क्रिया आ गई डू। डू उधर सूत्र देखो डू या सही क्रिया प्लस करता तो डू आ गया। अब हमारा करता है वो है दे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अर्थात पले और वापिस कर्म। प्रश्नवाचक है वाक्य इसलिए अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब आया इंट्रोगेटिव नेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो प्रश्नवाचक ऊपर वाला वाक्य बना है तो इसलिए यहां पर आ जाएगा डू। अब नकारात्मक है तो शुरुआत में हम इसको डू नॉट डज नॉट यानी सही क्रिया की शुरुआत में नहीं लगा सकते। अगर शुरुआत में लगाए तो इसका वाक्य का थोड़ा रखें दूसरा वाला हो जाएगा अर्थात वाक्य का रूप है वो दूसरा हो जाएगा। तो डू के सूत्र में लिखा है डू डज प्लस सब्जेक्ट तो इसका मतलब है यहां पर हमने लिया दे। अब उसके बाद में हम लगाएंगे नोट तो ये हो गया डू दे नोट प्ले। डू दे नोट प्ले क्रिकेट सी आर एस सी के ई टी अंत में लगा दिया प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार एक वाक्य के चार वाक्य बन गए। पहले वाले चार वाक्यों में मैंने आपको एकवचन पर बताया था अब बताया वो है बहुवचन का वाक्य। तो एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ दो उदाहरण बता पाऊंगा वरना आपका वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब इसके अंदर जो टेंस है कक्षा छह के बच्चों ने पहले नहीं पढ़ाए साथ वालों की थोड़ी जानकारी है इसलिए यहाँ पर मैं कुछ ऐसे थोड़े विकल्प यानी मीनिंग डाल देता हूँ वो याद कर लोगे तो आपके आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों कि हर टेंस हर ग्रामर में आगे पढ़ेंगे तो हम बार बार शब्द आएगा इसका सब्जेक्ट क्या है इसका ऑब्जेक्ट क्या है हैं इसके ये नाउन क्या है कि ये सिंगुलर है ये प्लूरल है आदि ये मीनिंग है। तो क्यों ना हम इस एक बार इसको याद करके छोड़ दें ताकि अगर जो टीचर उसको अंग्रेजी में बोले तो कम से कम आपके समझ में आ जाए। तो ये आपके पास उदाहरण हो गए। अब वो जो ग्रामर में चलने वाले सब्जेक्ट हैं ये शब्द है सॉरी तो इसमें सबसे पहले आता है जैसे सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और कर्ता का मतलब होता है कार्य को करने वाला। दूसरे और कर्ता कितने प्रकार के होते हैं? अंग्रेजी में कर्ता दो प्रकार के होते हैं एक होता है एकवचन एक होता है बहुवचन। एकवचन को कहते हैं सिंगुलर और बहुवचन को कहते हैं प्लुरल। उसके बाद में आता है वर्ब। वर्ब तो वर्ब है वो भी अंग्रेजी में दो प्रकार के होती है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया दो प्रकार की एक तो होती है हेड वर्ब जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। ये वर्ब कौन सी है? ये मुख्य क्रिया की बात हो रही है। और दूसरी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया।
अर्थात वो की मुख्य क्रिया की हेल्प सहायता करने वाली और जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं सहायक क्रिया। उसके बाद में एक शब्द आता है हमारे ऑब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है करण। वाक्य के अंदर है कोई स्थान, कोई वस्तु आदि का जो नाम दिया होता है वो क्या होता है करण होता है। बार बार समझाता है नाउन, अर्थात सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन हम बोलते हैं। सिंगुलर का आपको ध्यान में आया गया कि एक वचन है, प्लूरल का बहुवचन है, लेकिन नाउन का समझ में नहीं है इसलिए नाउन का मतलब होता है संज्ञा। विषय तो से कक्षा 6 के लिए और वैसे कक्षा 7 के लिए हो सकता है कक्षा 8 के बच्चे हैं उनको भी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये शब्दार्थ मीनिंग नहीं आ रहे तो वो भी इस पर देख लेना। इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, ये बहुत सारे शब्द है। लेकिन 300 में अभी हमारे पास कितने आए हैं, आगे जैसे प्रीपोजिशन है, हैं, प्रोनाउन है, ये सर्वनाम वगैरह चलेंगे वो भी आ जाएंगे। अब उधर जो चार आपको शब्द बताए थे अफर्मेटिव, सकारात्मक, नेगेटिव, नकारात्मक और इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, वो भी है। आप एक बार याद कर लेंगे तो पूरा टेंशन उठे से लास्ट तक है वो चलेगा। तो 2, 4, 1, 5 आपको ये दिए हैं। एक होता है सिंगुलर, अर्थात एक वचन, और दूसरा शब्द हो गया प्लूरल, अर्थात बहुवचन, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव। ग्रामर की जो भी चीजें चलेगी उसके अंदर हम बार बार बोलेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर, प्लूरल, प्रीपोजिशन आदि शब्द बोलेंगे। तो इक्विवेलेंस को एक बार हमें याद कर लें तो फिर ये समस्या है वो हल हो जाएगी। आगे बार बार आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या शब्द आ गया। तो ये थे कुछ आपके मीनिंग्स, वोकैबुलरी, शायद आप याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इनको एक बार, आप जो होमवर्क की कॉपी है यानी जो आपकी रफ कॉपी है उसमें एक बार इसको लेकर के ये जरूर चीजें हैं वो याद कर लेना। हो सकता है कक्षा 7 के बच्चों के लिए ये पहले काम आई होगी, उसने पढ़ा लिखा होगा, देखा होगा, पहले टीचर ने बताया होगा तो उनकी याद है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कक्षा 5 के लिए ये थोड़ी नई, 6 के लिए नई चीजें, तो इनको आप जरूर याद करना। तो इस वीडियो को जो इसे पहले वाला जो मैंने वीडियो दिया था उसमें ऐड करना है, उसको हम ऐड करेंगे। तो टेंस का जो पहला है प्रेजेंट और प्रेजेंट का जो पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनेट, वो जुड़कर दोनों जुड़ जाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो क्लियर हो गया आपका कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान क्या है, नियम क्या है, सूत्र क्या है। अब इसमें एक चीज बनती है कि पहचान के शब्द है वो कक्षा 6 और 7 में नहीं के बराबर चलते हैं, होंगे तो वो ऑफलाइन में आपको बता दिया जाएगा लेकिन इतना ज्यादा लंबा थोड़ा नहीं चलता है। तो अब दोनों वीडियो को आप एक मान करके और फिर आपको उसको पढ़ना है और छोटे मोटे वाक्य बनाने, फिर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके जो बता सकते हैं। तो आज के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो मैं यहीं पूरा करता हूँ।